please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वाराणसी में बस स्टैंड परिसर में खड़ी लखनऊ जाने वाली एक बस में अचानक आग लग गई। आरोपी की अलग पूर्वांचल राज्य की मांग पर सुनवाई नहीं होने से खफा एक महिला ने बस में आग लगा दी, जिसके बाद बस स्टैंड परिसर में खड़ी वाराणसी से लखनऊ जाने वाली बस में आग की लपटें उठने लगी। बस में आग लगते ही वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फिर आग को बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। हर तरफ अफरा तफरी है, भीड़ का माहौल आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ है और पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी भीड़ को हटा रहे हैं। बड़ी घटना हो सकती थी, इस रोडवेज परिसर में और भी बसें थी, यात्री भी थे। दावा है कि बस में आग लगाने की सूचना भी आरोपी महिला ने खुद ही दी। आरोपी महिला के मुताबिक उसके संगठन का एक सदस्य अलग पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है। महिला ने सरकार पर उनके अनशन की तरफ ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। सरकार वार्ता नहीं कर रही है, ध्यानाकर्षण के लिए हम जो गांधीवादी तरीके से लड़ रहे थे सरकार ने मजबूर कर दिया आज हमको भगत सिंह तरीके से लड़ने पर। सड़क परिवहन विभाग के कर्मचारियों और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रमोशन के बाद सिपाही से हवलदार बने पुलिस कर्मियों को बैज लगाए। राजस्थान सरकार ने एक विशेष आदेश के जरिए करीब 6000 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन किया, जिसके बाद सभी 6000 पुलिस कर्मियों को जयपुर बुलाया गया और एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें बैज लगाया। इनमें वो महिला पुलिस कर्मी भी थी जो रिटायरमेंट के करीब है। बहुत अच्छा लगा, 33 साल की नौकरी होगी मेरी, बच्चे मेरे बड़े हैं, बढ़िया लगे मिली है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुलिस कर्मियों के प्रमोशन को सरकार की उपलब्धि बताया। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको प्रमोट करने का काम किया है, एक बहुत बड़ा काम है और मैं इन सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। तो वहीं कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को सरकारी पैसे की बर्बादी बताते हुए चुनावी हथकंडा करार दिया। ये चूंकि सरकारी धन का व्यय है और इसके माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य साधने का काम किया जा रहा है, तो कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। विपक्ष ने सरकार के पुलिस कर्मियों को लाभार्थी बताने पर भी सवाल खड़े किए। बिहार के फुलवारी शरीफ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। फुलवारी शरीफ के एक प्राइवेट स्कूल के डिप्टी प्रिंसिपल और अकाउंटेंट पर 5वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के रेप का आरोप लगा। आरोपी के दोनों ने नाबालिग का वीडियो बनाया, उसे डरा धमका कर करीब 9 महीने तक उसका रेप किया। दावा है कि लड़की के गर्भवती होने पर उसके घर वालों की दरिंदगी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। प्रिंसिपल एवं उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो किस कार्रवाई की गई। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। कोटा में स्वाइन फ्लू की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में स्वाइन फ्लू की वजह से एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं होने का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में जेके लॉन अस्पताल में एक मरीज के परिजनों की मारपीट से गुस्साए डॉक्टरों ने हंगामा किया और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अफगानिस्तान ने केरल के रहने वाले नशीदुल हमजफर को भारत वापस भेज दिया, जिसके आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान जाने का दावा किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने 3 तलाक को बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बताया। बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने आरोप लगाया कि 3 तलाक के जरिए सरकार अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एक आदमी की पैर तोड़ने वाले बयान पर सफाई देते हुए उसे हंसी मजाक करार दिया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कुछ अज्ञात लोगों पर वहां के पंचायत घर में आग लगाने का आरोप लगा। बिहार के अररिया में एक आदमी की लाठियों से पीट पीट कर सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी गई क्योंकि मोकाऊ के रसूखदार आदमी के खेत में अपनी भैंस चरा रहा था। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बिजली के तारों में गड़बड़ी की वजह से होने वाली देरी से निपटने की योजना बनाई है। DMRC के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के सभी एलिवेटेड रूट पर लगे बिजली के उपकरणों को आधुनिक बनाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो का करीब 240 किलोमीटर लंबा हिस्सा एलिवेटेड यानी खंभों पर। DMRC के मुताबिक एलिवेटेड रूट पर लगे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से अक्सर मेट्रो रास्ते में अटक जाती है। DMRC ने बताया कि बिजली के तारों से पक्षियों को दूर रखने के लिए एलिवेटेड रूट पर करीब 2000 बर्ड डिस्क लगाई जा चुकी है। साथ ही पक्षियों की वजह से होने वाले शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए 1000 बाईपास जम्पर भी लगाए गए। इनके अलावा जल्द टूटने वाली कॉपर पिन की जगह स्टेनलेस स्टील की पिन लगाने का भी काम शुरू हो चुका है और तारों से मेट्रो ट्रेन तक बिजली पहुंचाने वाले 925 मेटल आर्म्स में 450 को भी बदला जा चुका है।
बिहार के अररिया में एक मकान के बाहर कुछ महिलाएं दहाड़े मार कर रोने लगी। आरोप है कि उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या पीट पीट कर सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अपनी भैंस दूसरे के खेत में चरवाने के लिए गया था, जिसका शव मिलने के बाद उसके परिवार में मातम पसर गया। मारे गए आदमी के परिवार की एक महिला सदमे से बेसुध हो गई, जिसे कुछ लोग संभालते नजर आए। मारे गए आदमी के परिवार का दावा है कि सुबह के वक्त तीन लोग एक खेत में अपनी भैंस चराने के लिए गए थे, लेकिन दो लोग भागने में सफल रहे। आरोप है कि खेत के मालिक ने सदानंद शाह नाम के आदमी को न सिर्फ लाठी से पीटा बल्कि उनकी दो भैंसें भी छीन ली। एक तो विनोद मेहता वो भाग गया, ये जोगानंद मेहता को क्या कि मारा फरसा हाथ में, उसका हाथ कट गया, उसके बाद उसको मारना शुरू किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में गायक की हत्या की पांचवीं सालगिरह पर शोक जताने के लिए जुटे कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में जुटे इन लोगों ने गायक की याद में एक रैली निकाली, जिसमें देखते ही देखते हिंसक झड़प होने लगी और इस बीच भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। ये लोग ग्रीस के गायक और कार्यकर्ता पावलोस फिसा की हत्या की सालगिरह पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जुटे थे। जांच के बाद इस गायक की हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की बात सामने आई थी, इसी वजह से शोक जताने के लिए जुटे लोगों ने आरोपियों की राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर रैली निकाली। इस दौरान कुछ लोग आपे से बाहर हो गए और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा बल पर हमला बोल दिया। हिंसक झड़प शुरू होते ही पुलिस ने भी लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की। पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी की और इस दौरान उन्होंने कई इमारतों को भी निशाना बनाया। यही नहीं, लोगों ने विरोध जताते हुए जगह जगह आग लगा दी। ये प्रदर्शन सुबह तक चलता रहा। गुस्साए लोगों पर काबू पाने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन लोगों ने उन्हें शहर की गलियों से खदेड़ दिया। इस हिंसक झड़प में कई पुलिस वालों समेत बहुत से लोग घायल हो गए। राजस्थान के अलवर में नीमराणा थाने में एक अभिनेत्री ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई। अभिनेत्री का आरोप है कि एक आदमी ने फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद उसे मिलने के लिए बुलाया, शादी का झांसा देकर उसका रेप किया। पीड़ित लड़की मुंबई में रहती है और उसका दावा है कि वो आरोपी के बहकावे में उससे मिलने दिल्ली आई थी, जहां से दोनों घूमने के लिए नीमराणा गए। आरोपी की वहां पर पीड़ित का रेप किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। आरोप लगाया गया है 22 वर्षीय एक्सट्रेस द्वारा कि फेसबुक के माध्यम से हमारी दोस्ती हुई, नंबरों का आदान प्रदान हुआ, वीडियो कॉलिंग होने लगी, विश्वास होने पर घूमने के लिए आई और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस फंड की भारी किल्लत से जूझ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं ने आम चुनाव से पहले चंदे के लिए जनता की शरण में जाने का फैसला किया, जिसके लिए पार्टी नेतृत्व ने मिशन 500 करोड़ नाम के अभियान के तहत चंदा जुटाने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर बूथ से 5000 रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। इस तरह देश के 10 लाख बूथ से 500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे। चंदा जुटाने का ये अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से लेकर 19 नवंबर तक चलाया जाएगा। पहले भी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ती थी संगठन को चलाने के लिए एक वोट एक नोट आवाज लगाती थी हर गांव में और जनता के सहयोग से अपने चुनाव प्रचार को करती थी। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी नेताओं से खर्चों में कटौती करने का निर्देश भी दिया, जिससे लोकसभा से पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पैसों की कमी न पड़ जाए। पटना में गंगा नदी में बह गए 5 बच्चों की तलाश में कुछ गोताखोर और SDRF की टीम जुट गई। दावा है कि 2 बच्चों को बचा लिया गया जबकि एक लड़की के शव को बाहर निकाल लिया गया। जबकि बचाव दल के सदस्य गंगा नदी में बहे बाकी 2 बच्चों की तलाश नाव के सहारे करने लगे। बताया गया कि 5 बच्चे नहाने के लिए गंगा नदी में गए थे, लेकिन वो गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी के तेज बहाव में बह गए। 3 बच्चे डूबे हैं, इसमें 2 लड़का है और एक लड़की है। SDRF की टीम बच्चों के नदी में बहने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ घाट पर जुट गई। जैसे ही एक लड़की का शव नदी से बाहर निकाला गया वहां मातम पसर गया और कुछ महिलाएं दहाड़े मार कर रोने लगी। दावा किया गया कि 5 बच्चों में से 2 बच्चों को पहले ही सुरक्षित बचा लिया गया था। पाकिस्तान की सेना में आतंकवाद को लेकर बगावत हो गई है। वहां की फौज का एक गुट इसे जड़ से मिटाने की वकालत कर रहा है।
जबकि सेना के अंदर कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो दहशतगर्दी के साथ खुलकर हैं। ये दावा अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी डेविड स्मिथ ने किया, जिनके मुताबिक पाकिस्तान के जूनियर अफसर भारत नहीं बल्कि आतंकवाद को दुश्मन मानते हैं, जबकि फौज के सीनियर कमांडर भारत को ही सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। दावा है कि सीनियर अधिकारी जूनियर अफसरों को डरा कर रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एक से दो यंग ऑफिसर हर महीने जो है वो आतंकवाद का शिकार हो जाता है, इसलिए इससे काफी चिंता का विषय है। आंकड़ों से भी साफ है कि पाकिस्तान में लोग आतंकवाद के ज्यादा शिकार हुए। 2017 में आतंकी वारदात में पाकिस्तान में 512 लोगों की जान गई, जबकि 2016 में 355 लोग मारे गए और 2015 में 1717 लोग आतंकवाद के शिकार हुए। आतंकवाद पर पाकिस्तान की फौज में बगावत का पर्दाफाश भले ही अब हुआ हो, लेकिन वहाँ के मीडिया और जनता में इसे लेकर पहले से ही भारी गुस्सा है। UPATS ने नोएडा से BSF के एक जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप का शिकार ये जवान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था। आरोपी जवान का नाम अच्युतानंद मिश्र है, जो कि मध्य प्रदेश के रेवा का रहने वाला है। आरोप है कि अच्युतानंद मिश्र एक महिला से पुलिस एकेडमी और प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी साझा कर रहा था, जो खुद के रिपोर्टर होने का दावा कर रही थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी जवान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हालांकि आरोपी जवान ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपी जवान को जल्द ही लखनऊ के कोर्ट में पेश किया जाएगा। जर्मनी के कुक्सहाफन में यात्रियों के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई। हाइड्रोजन से चलने वाली ये दुनिया की पहली ट्रेन है, जिससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, जिसे फ्रांस की एक कंपनी ने जर्मनी के लिए तैयार किया है। अपने पहले सफर पर इस ट्रेन ने कुक्सहाफन से चलकर करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय की। ये ट्रेन 300 लोगों को ढो सकती है। इस ट्रेन के चलने पर डीजल ट्रेन के मुकाबले आवाज भी कम होती है। यही नहीं, ट्रेन के टैंक में एक बार हाइड्रोजन भर देने पर ये 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। डीजल से चलने वाली ट्रेन के मुकाबले इस ट्रेन में चलने के दौरान केवल भाप और पानी ही निकलता है। इसके लिए ट्रेन में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, जो ऑक्सीजन से मिलकर बिजली पैदा करती है। ये बिजली ट्रेन के नीचे लगी लिथियम और लोहे की बैटरी तक पहुंचती है। इस ट्रेन को बनाने वाली कंपनी ने 2021 तक 14 और ट्रेनों को बनाने का दावा किया, जो डीजल से चलने वाली ट्रेनों की जगह ले सकती है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक 30 साल के शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। दावा है कि इस वारदात को कुछ लोगों ने लूट के इरादे से अंजाम दिया और फिर हमलावर कैश लेकर मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल रघुवीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रघुवीर कैश लेकर सरिता विहार इलाके के ओखला अंडरपास से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी। कंपनी के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उसके पास कैश था। तो क्या कैश लूट लिया गया है? हाँ, कैश लूट लिया बताया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी रघुवीर के घर वालों को दी। कंपनी की तरफ से कहीं जा रहा था, कंपनी ने भेजा और रास्ते में यही सब्बे के अंदर इसको किसी ने गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को इस वारदात से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। दिल्ली में 23 सितंबर को BJP पूर्वांचल महाकुंभ का आयोजन करेगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में BJP 23 सितंबर को पूर्वांचल महाकुंभ का आयोजन करेगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये बताना चाहता है कि सिर्फ पूर्वांचल के लोग ही नहीं, पूरा पूर्वांचल प्रदेश उनके लिए बहुत महत्व रखता है और इसी कारण से इस महाकुंभ रैली का आयोजन किया गया है। जम्मू में सीमा के पास शहीद हुए एक जवान के शव से बेरहमी के मामले को BSF ने पाकिस्तान रेंजर्स के सामने उठाया। दिल्ली के विकासपुरी में अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर ग्राहकों की बैंक डिटेल की चोरी के आरोप में 6 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर को एक दिन का महज 100 रुपए वेतन दिए जाने के दावे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा। दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने निजी तौर पर भांग की खेती और इस्तेमाल को कानूनी रूप से इजाजत दे दी, हालांकि सेहत का हवाला देते हुए सरकार ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। ब्रेन हैमरेज के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाए गए हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष और मशहूर कवि विष्णु खरे का इलाज के दौरान निधन हो गया। केरल नन रेप केस में आरोपी पादरी से पुलिस ने 7 घंटे तक पूछताछ की, जो गुरुवार को भी जारी रहेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 मैच में मेजबान श्रीलंका को 13 रनों से हरा दिया। यूपी के अलीगढ़ में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी। इसके बाद इन लोगों ने आरोपी लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को सरेआम जमकर पीटा।
हालांकि जिस लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में लोगों ने लड़के की बुरी तरह से पिटाई की, वही लड़की लड़के को बचाती हुई नजर आई। लड़के की सरेआम हुई पिटाई की इस घटना को देखने के लिए वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी इस घटना का विरोध नहीं किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने आरोपी लड़के को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि लड़की को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई लड़की के घर वालों की शिकायत पर की गई। लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, लड़के को गिरफ्तार किया गया है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद थाने पहुंची पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने इसे लव जिहाद से जोड़ दिया और लड़कियों की भावनाओं के साथ खेलना इन लोगों का पेशा बन चुका है। ये लोग एक तरीके से बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना इन लोगों का एक व्यापार बन गया है। लव जिहाद पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की। बेगूसराय में भीड़ ने एक लड़के की पिटाई कर दी। बिहार के बेगूसराय में चोरी के शक में पकड़े गए एक लड़के की भीड़ ने बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक महिला के रेप के बाद उस पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। बिहार के पटना में गंगा नदी पर बने राजा घाट पर नहाने गए 5 में 3 बच्चे नदी में डूब गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ भोपाल की कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। बिहार के मुंगेर में पुलिस कर्मियों ने दंगे जैसे हालात से निपटने के लिए अभ्यास किया। बिहार के सीवान में सांसद पप्पू यादव ने 2 युवकों के परिजनों को सहायता राशि सौंपी, जिनकी पिछले हफ्ते संदिग्ध हालात में मौत हो गई। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बल ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। बिहार के पटना में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। बिहार के गया में एक लड़का 30 फीट ऊंचे डेल्हा ओवरब्रिज के खंभों पर चढ़ गया, हालांकि कुछ देर बाद वो खुद ही नीचे भी उतर आया। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में 3 लोगों ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, जिनके खिलाफ पुलिसकर्मी ने मामला दर्ज करवाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट खरीदने के मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने नवाज शरीफ को संदेह का लाभ देते हुए अंतिम फैसले तक उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। जो हाल ही में अपनी पत्नी कुलसुम नवाज की मौत के बाद 11 साल की सजा काटने के लिए परोल से वापस आए थे। कोर्ट ने केवल नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि उनकी बेटी मरियम नवाज की 8 साल और दामाद मोहम्मद सफदर की 1 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। का मकसद नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी मैदान से बाहर निकाल कर इमरान खान की जाली कामयाबी के लिए राह हमवार करना था। समर्थकों की इस सोच को तब और बल मिला जब हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया कि सरकारी पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि वो जायदाद नवाज शरीफ की ही है। जज ने एक ही चार्जशीट के आधार पर मरियम नवाज को भी सजा सुनाने पर लताड़ लगाई। इससे मामले की जांच करने वाली एजेंसी का पक्ष बहुत कमजोर हो गया। हालांकि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।